हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन टॉपर, जहां पर हम आपको सभी तरह की मेडिसिन व स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटीआई के बारे में, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दोस्तों, ये इन्फेक्शन पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन होता है, जो कि बैक्टीरिया के पेशाब के रास्ते को संक्रमित करने की वजह से होता है। यूटीआई जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसका नाम ई कोलाई होता है। ये हमारे एनस या एनल ग्लैंड में पहले से ही पाया जाता है। दोस्तों, यदि प्राइवेट पार्ट की हाइजीन ना मेंटेन की जाए, तो ये हमारे यूरिन में घुसकर उसे संक्रमित कर देता है। यूरिन के थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर व उसके बाद किडनी तक भी इन्फेक्शन पहुँच सकता है। दोस्तों, बात करते हैं इसके होने वाले कुछ कारणों के बारे में। जो पहला मोस्ट कॉमन कारण है, वो है हमारा पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना। दूसरा, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना। वेस्टर्न टॉयलेट को हम टच करके यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स के दौरान यदि आप वेजाइनल स्पंज या स्पर्मिसाइडल जेली या डायफ्राम आदि यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोस्टली जो है इंटरकोर्स के बाद औरतों में यूटीआई के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तीसरा कारण है पानी का कम पीना। दोस्तों, पानी का इंटेक कम लेने की वजह से भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। पीरियड्स के टाइम पे हाइजीन मेंटेन ना करने से भी इन्फेक्शन होता है। दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट में भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि किसी पेशेंट को लॉन्ग टाइम से किसी रीजन से, जैसे कि पैरालाइज होने या आदि किसी बीमारी की वजह से लॉन्ग टाइम से कैथेटर पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से भी उसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके कुछ लक्षणों के बारे में। इसका जो मोस्ट कॉमन लक्षण है, वो है बार बार पेशाब का आना, पर पेशाब ठीक से ना होना। पेशाब होने के बाद जलन होना बहुत तेज, और पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। पेशाब के कलर का गाढ़ा क्लाउडी या फिर रेड कलर का होना। पेशाब के रास्ते में कभी कभी खून का आना, और ज़्यादा सीवियर केस में इसमें बहुत तेज़ ठंड लग के कभी कभी फीवर भी आता है और उल्टी भी हो जाती है। दोस्तों, यदि ये सब लक्षण दिखाई देते हैं, तो जो डॉक्टर हमें जांच के लिए कहते हैं, वो कुछ दो प्रकार की जांचें होती हैं, जैसे यूरिन का रूटीन माइक्रोस्कोपी टेस्ट और यूरिन का कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट। यूरिन माइक्रोस्कोपी टेस्ट में हम देखते हैं कि यूरिन में बैक्टीरिया है या नहीं, उसमें पस सेल्स की मात्रा कितनी है, आरबीसीस कितनी मात्रा में है, यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रहा है। इन सब जांचों के बेस पे हम पेशेंट को बताते हैं कि उसको यूटीआई है या नहीं। सीवियर केस में यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कराया जाता है। इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि यूरिन का इन्फेक्शन किस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है और उसके अगेंस्ट कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा। वही एंटीबायोटिक फिर डॉक्टर द्वारा 7 या 10 दिन के लिए सजेस्ट किया जाता है यूरिन इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में। तो आइए जानते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। सबसे पहले तो यदि आप पब्लिक वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो देखें कि वहाँ इंडियन टॉयलेट ही यूज़ करें। यदि इंडियन टॉयलेट नहीं है, वेस्टर्न यूज़ करना है, तो उसे स्प्रे से पहले अच्छे से क्लीन कर लें, उसके बाद ही उसे यूज़ करें। प्राइवेट पार्ट की हाइजीन को मेंटेन रखें। पब्लिक वॉशरूम यूज़ करने के बाद अच्छे से यूरिन के रास्ते को क्लीन करें, आगे से पीछे की तरफ उसे क्लीन करें, पीछे से आगे की तरफ नहीं, क्योंकि एनल रीजन में हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, यदि आप उसको पीछे की तरफ से आगे को क्लीन करेंगे, तो वो बैक्टीरिया यूरिन के रास्ते पे आ जाएंगे और यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। पीरियड्स के टाइम पे कम से कम 5 से 6 घंटे में आप पैड को जरूर चेंज कर लें और हाइजीन मेंटेन रखें। यदि आप शुगर पेशेंट हैं, तो अपने शुगर को कंट्रोल रखें। इंटरकोर्स के दौरान डायाफ्राम या स्पंज या जेली को यूज़ ना करें। इंटरकोर्स के बाद यूरिन कर लें और खुद को धो लें। पानी का इंटेक बढ़ा लें, कम से कम 3 से 4 लीटर पर डे का पानी पिएं, जिससे कि आपके जो कीटाणु हैं, वो यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाएंगे और यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो और आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो।